नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गाजर और ब्रोकली की मिक्स सब्जी। ये बहुत ही डिलीशियस लगती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में 1 चम्मच तक हम वेजिटेबल ऑयल है उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। इसको थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं और अब इसमें मैंने जो आलू चॉप करके रखे थे उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, उनको इसमें डालकर अच्छे से हम फ्राई कर देते हैं। वेजिटेबल की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपके घर में मेंबर हों। यहाँ पे जो मैं सब्जी बना रही हूँ ये 3 से 4 लोगों के लिए है। तो इस तरीके से हम आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। वेजिटेबल को फ्राई करके हम एक सब्जी बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारी सब्जी गलती भी नहीं है ज़्यादा, वो अलग अलग रहती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बिल्कुल होटल के स्टाइल की बनती है। तो अब यहाँ पे मैं 1 कप तक मैंने गाजर है उसको चॉप करके रखा हुआ था उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। वेजिटेबल आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कम ले सकते हैं, जो आपको जब वेजिटेबल पसंद हो आप उसको भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो अब इसको भी हम लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी सब्जी थोड़ी सी फ्राई हो चुकी। तो हमने जो 2 कप ब्रोकली रखी हुई थी उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने ब्रोकली को पहले गर्म पानी में ब्लांच करके लिया हुआ है। आप जब भी ब्रोकली यूज करें तो उसे गर्म पानी में एक बार ज़रूर ब्लांच कर लें। इससे क्या होता है, जो ब्रोकली में कुछ भी कीड़े उड़े होते हैं वो अच्छे से ये साफ हो कर देता है। तो इसीलिए आप गर्म पानी में इसको एक बार ज़रूर धुलकर साफ करके इसमें यूज किया करिए। तो यहाँ पे देखिए हमारी वेजिटेबल फ्राई हो चुकी है। तो अब हमने गैस पे एक पैन रख दिया है और इसमें 2 चम्मच तक हम सरसों का तेल है उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। मैं इसको सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। और अब इसको थोड़ा सा हम गर्म हो जाने देते हैं और 1 चम्मच तक इसमें हम जीरा है उसको ऐड कर दे रहे हैं। इसको थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं और 1 चुटकी हींग है उसको इसमें ऐड कर दे। हींग से क्या होता है, इसका फ्लेवर अच्छा आता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तक गार्लिक है उसको चॉप करके लिया है। यहाँ पे मैं 7 से 8 कली है उनको मैंने चॉप करके ले लिया था। और अब इसमें मैं हरी मिर्च और अदरक है उसको इसमें ऐड कर दे रही हूँ। मैंने 2 से 3 हरी मिर्च है उन्हें चॉप करके लिया हुआ, 1 टुकड़ा अदरक का। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको तीखा पसंद हो। और अब इसमें मैंने 1 बड़े साइज का प्याज है उसको बारीक चॉप करके लिया हुआ उसको इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए वहीं तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्याज अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसमें हम सूखे मसाले हैं उनको ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच तक हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच तक धनिया, 1/2 चम्मच तक जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच तक नमक और 1/2 चम्मच तक हम इसमें गर्म मसाला ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर मैं 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, ये बिल्कुल तीखी नहीं होती है, बस इससे कलर आता है। यहाँ पे मसालों को थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो मीडियम रखा हुआ है। और अब यहाँ पे मैंने 1 टमाटर था बड़े साइज का उसको मैंने चॉप करके लिया उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हम मिक्स कर लेते हैं। और इसको अब हम ढक्कन लगा के 1 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और इनको थोड़ी देर के लिए हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे देखिए टमाटर मैश हो चुके हैं। तो अब हमने जो ब्रोकली फ्राई करके रखी थी, जो भी हमने सब्जियाँ फ्राई करके रखी थी उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं 1/2 कप तक हरी मटर है उसको इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इनको इस तरीके से लगातार चलाते हुए अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि मसाला अच्छे से सब्जी पे कोटेड हो जाएगा। और अब हम ढक्कन लगा के इसे 4 से 5 मिनट तक लो मीडियम गैस पर
पकाएंगे, लेकिन बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे जिससे कि हमारी सब्जी नीचे से जल ना जाए। इसे इस तरीके से लगातार हम चलाते रहेंगे। अभी सब्जी हमारी अच्छे से पकी नहीं हुई और यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, ये अच्छे से पक चुकी है। उसको एक बार चला लेते हैं, एक आलू को हम मैश करके देख लेते हैं तो सब्जी हमारी अच्छे से गल चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट कर रखा था उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। हरे धनिया से क्या होता है, इसको खाने में भी अच्छी लगती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी ब्रोकली की सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट जैसी लगती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इसे रोटी, पराठा, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलो हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने सब्जी को बनाया है तो आपको ये सब्जी कैसी लगी है। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।